friends, welcome to the series of atomic structure. And this is part one, in which you will study about the dual nature of metal and de Broglie concept. तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट वन, और उसमें हम स्पेशली पढ़ने वाले हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मेटल, कि कैसे ड्यूअल मीन्स दो तरीके का नेचर। तो मैटर का दो तरीके का नेचर होता है, और इसे हम समझेंगे डी ब्रॉगली कंसेप्ट की हेल्प से। कंसेप्ट को समझने से पहले आपको कुछ और कंसेप्ट भी समझने होंगे। आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा ही होगा, तो इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो हम जिसको पढ़ना चाहेंगे, जिससे हमें डी ब्रॉगली कंसेप्ट को पढ़ने में हेल्प मिलेगी, वो है बोर्स मॉडल। सो बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो अगर हम इस मॉडल को एक बार और रिवाइज कर लें कि बोर ने अपने मॉडल में क्या बताया एटम के बारे में, कंसेप्ट दिया नील्स बोर ने, जो कंसेप्ट दिया वो ये था कि ये न्यूक्लियस सेंटर में है। ओके, ये न्यूक्लियस सेंटर में है, और इस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या है, ऑर्बिट्स है। ओके, ये ऑर्बिट्स जो है, ये ऑर्बिट्स की एनर्जी फिक्स होगी। इनका नाम उन्होंने क्या दिया, ऑर्बिट्स। ओके, तो ऑर्बिट्स जो हैं, इन ऑर्बिट्स को हम क्या कह सकते हैं, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं, और ये ऑर्बिट्स जो हैं, इनकी एनर्जी क्या होगी, फिक्स्ड होगी। और इनकी एनर्जी उन्होंने किसकी हेल्प से निकाली, क्योंकि इनकी एनर्जी फिक्स्ड है, तो इनकी एनर्जी निकाली गई विद द हेल्प ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। सो प्लैंक थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने इस डिफरेंट ऑर्बिट्स की क्या कैलकुलेट करी, एनर्जी। क्या था कि एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉन्स मूव, ये देखिए हम मानते हैं ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं, ऑर्बिट्स में चक्कर लगा रहे हैं, तो ये जो मूवमेंट है ये जब तक चलता है, इट इज नो गेन और लॉस ऑफ एनर्जी। कोई भी एनर्जी का ना तो लॉस होता है और ना ही गेन होता है। तो एक पर्टिकुलर एनर्जी के ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ओके, तो उन्होंने किसका कंसेप्ट दिया, देखिए ऑर्बिट्स का, ऑर्बिट्स का कंसेप्ट दिया नील्स बोर ने। ओके, तो नील्स बोर के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक पर्टिकुलर एनर्जी के ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं विदाउट लॉस और गेन ऑफ एनर्जी। तो उन्होंने क्या कहा कि जो एंगुलर मूवमेंट होगा किसी भी इलेक्ट्रॉन का, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो कि एक पर्टिकुलर एनर्जी के ऑर्बिटल में चक्कर लगा रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, वो होता है, डेफिनेट वैल्यू होती है उसकी, और वो होता है होल नंबर मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई, या हम उसे एन एच अपॉन टू पाई भी कहते हैं। तो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जो कि मूव कर रहा होता है उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, एन एच अपॉन टू पाई, या हम कह सकते हैं कि एच अपॉन टू पाई का होल नंबर मल्टीपल होता है। था वो बहुत एप्लीकेबल था, और मेन एप्लीकेशन इसका जो एक और था वो था कि ये एटम्स की स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकता था कि उनकी स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज क्यों होती है। जैसे आपने हाइड्रोजन के केस में उसके आपने स्पेक्ट्रल नेम पढ़े होंगे, डिफरेंट सीरीज आपने पढ़ी होगी, जैसे आपने पढ़ा होगा लाइमन सीरीज, आपने पढ़ा होगा बामर सीरीज, ओके, आपने पढ़ा होगा पाशियन सीरीज। तो ये डिफरेंट सीरीज आपने स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम में पढ़ी होंगी, तो इनको एक्सप्लेन कर पाए बोर्स, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बोर क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड और थर्ड और फोर्थ और इसके सेकेंड से ऊपर ऑर्बिट से अगर वो जंप कर रहा है तो लाइमन सीरीज मिलेगी, अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है थर्ड
और फोर्थ और फिफ्थ ऑर्बिट से, तो वो वहां से हमें क्या मिलेगा, बामर सीरीज। और अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फोर्थ फिफ्थ और सिक्स ऑर्बिट से, तो इसका मतलब एंड सो ऑन, तो इसका मतलब है हमें क्या मिलेगा स्पेक्ट्रा में, पाश्चन सीरीज। तो इसका मतलब है कि जो बोर्स थ्योरी है वो स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज को इजीली एक्सप्लेन कर पाई। जो बोर्स मॉडल था उसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी। ओके, तो लिमिटेशंस यानी इसको हम कह सकते हैं शॉर्ट कमिंग्स। तो बोर थ्योरी की शॉर्ट कमिंग्स क्या थी, अगर हमें वो पता लग जाए देन वी कैन गो टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो लिमिटेशंस क्या थी बोर्स मॉडल की, तो लिमिटेशंस बोर्स मॉडल की नंबर वन क्या थी कि ये हमें तो बता दिया कि स्पेक्ट्रल लाइन्स आती हैं जो एटम्स होते हैं उनकी, लेकिन वो स्पेक्ट्रल लाइंस फर्दर स्प्लिट होती हैं किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जिसको हम कहते हैं जीमैन इफेक्ट। तो इस जीमैन इफेक्ट को ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि फर्दर स्प्लिटिंग स्पेक्ट्रा की क्यों होती है, इसको ये बोर्स थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ड्रॉबैक इस थ्योरी का था वो ये था कि ये थ्योरी सिंपल एटम के स्पेक्ट्रा को तो बता पाई, जैसे H प्लस है, H है या Li 2 प्लस है, इनके स्पेक्ट्रा को तो ये बता पाई, या हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रा को ये बता पाई, जो हाइड्रोजन एटम लाइक थे HE प्लस। ओके, जिनमें एक इलेक्ट्रॉन था, ये कैसे सिस्टम थे, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इनके स्पेक्ट्रा को ये बता पाई। ओके, बट ड्रॉबैक क्या था कि ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के स्पेक्ट्रा को नहीं बता पाई। तो अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो उसको, उसके स्पेक्ट्रल डाटा को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तीसरा ड्रॉबैक क्या था, तीसरा ड्रॉबैक इस थ्योरी का था कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, जो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डेफिनेट ऑर्बिट में क्या करते हैं, रहते हैं, डेफिनेट एनर्जी के ऑर्बिट्स में रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो यानी इनकी जो पोजीशन है वो क्या है, वो है डेफिनेट। ओके, यानी डेफिनेट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की जो पोजीशन है वो क्या है, डेफिनेट अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी। लेकिन अगर हम, आप पढ़ेंगे आगे जाके हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अगर हम हाइजेनबर्ग्स का प्रिंसिपल देखें तो हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की पोजिशन एंड मोमेंटम, इन दोनों को एक साथ पता लगाना बहुत मुश्किल होता है, साइमल्टेनियसली हम पता नहीं कर सकते। तो दोनों कन्फ्लिक्ट है, देखिए एक कह रहा है, जो बोर है वो कहता है कि डेफिनेट एनर्जी का ऑर्बिट है यानी पोजीशन इज डेफिनेट, बट हाइजेनबर्ग कहते हैं कि ये जो पोजीशन है एंड मोमेंटम है वो एक समय में एक साथ हम पता नहीं कर सकते हैं, तो ये कन्फ्लिक्ट आ गया दोनों की बातों में। नील्स बोर ने दी थी, ये दी थी 1913 में। ओके, इस थ्योरी के ड्रॉबैक को धीरे 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 कम किया गया क्योंकि नई थ्योरीज आती गई। ओके, डी ब्रॉगली इन 1924 ही गेव अ कंसेप्ट, उन्होंने एक कंसेप्ट दिया और वो कंसेप्ट क्या था, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन्स का ड्यूअल नेचर, इसके बारे में उन्होंने जान, इलेक्ट्रॉन्स का एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर मैटर्स, तो उनके जो नेचर है उनके ड्यूअल नेचर के बारे में डी ब्रॉगली ने जानकारी दी। तो हम ये कह सकते हैं कि मैटर के ड्यूअल नेचर, ड्यूअल मीन्स टू, कितने, दो, यानी दो नेचर। दो नेचर कौन से होंगे, एक नेचर होगा पार्टिकल का नेचर और दूसरा नेचर होगा वेव नेचर। ओके, तो पार्टिकल नेचर किसने दिया था, बोर ने भी पार्टिकल नेचर के बारे में बात की थी, लेकिन डी ब्रॉगली ने क्या बताया, दोनों, डी ब्रॉगली ने मैटर के दो नेचर के बारे में बताया, दो, वन पार्टिकल एंड दी अदर इज वेव, तो ड्यूअल नेचर के बारे में उन्होंने जानकारी दी, जबकि बोर ने केवल एक नेचर के बारे में डिस्कस किया था, दैट इज दी पार्टिकल नेचर।
लाइट के नेचर की बात करें, ओके, लाइट के नेचर की अगर हम बात करें तो लाइट के डिफरेंट नेचर होते हैं। लाइट का नेचर क्या होता है? लाइट का नेचर हो सकता है कि वो इंटरफेरेंस शो कर सकता है, ओके, इंटरफेरेंस शो कर सकता है, ये डिफ्रैक्शन भी शो कर सकती है लाइट। तो ये इनकी डिफरेंट जो इनके जो डिफरेंट फिनोमिना है उनमें से एक है इंटरफेरेंस और दूसरा है डिफ्रैक्शन, ओके। इसके अलावा जो लाइट जो फिनोमिना शो कर सकती है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये इफेक्ट भी लाइट शो कर सकती है, ओके। देखिए इंटरफेरेंस शो कर रही है और वो डिफ्रैक्शन शो कर रही है, ओके, साथ में वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी शो कर सकती है। तो जो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस की प्रॉपर्टी है वो तभी शो करता है कोई मैटर जब उसका वेव नेचर होता है, ओके, और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वो तब शो करता है जब उसका पार्टिकल नेचर होता है, ओके। तो इस स्टडी से पता चला, पहले तो ये माना जाता था कि लाइट या तो वेव है या वो पार्टिकल है, लेकिन वो इस तरीके की फिनोमिना शो करता है, इंटरफेरेंस भी शो करता है, डिफ्रैक्शन भी शो करता है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी शो करता है, जो डिफरेंट नेचर बताते हैं, यानी जो इंटरफेरेंस है वो बताता है वेव नेचर के बारे में, और जो फोटोइलेक्ट्रिक नेचर है वो बताता है कि लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है। तो इसका मतलब है कि लाइट का कैसा करेक्टरिस्टिक है, लाइट का ड्यूअल करेक्टरिस्टिक है, मतलब वो वेव की तरह भी एक्ट करता है और वो पार्टिकल की तरह भी एक्ट करता है। तो ये निष्कर्ष निकला पहले लाइट के बारे में कि लाइट इस तरीके से ड्यूअल नेचर शो करती है। तरीके से लाइट का ड्यूअल नेचर बताया गया, लाइट का ड्यूअल नेचर देखिए प्रूफ हो गया, क्योंकि लाइट जो है वो इंटरफेरेंस भी शो कर रही है, डिफ्रैक्शन भी शो कर रही है और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी शो कर रही है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी है। तो इसका नेचर कैसा होता है? ड्यूअल नेचर। इसी तरीके से 1924 में ओके जो फ्रेंच फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था लुइस डी ब्रोगली, ओके, तो लुइस डी ब्रोगली ने 1924 में फिर उन्होंने सारे मैटर के बारे में बात की। तो उन्होंने कहा कि मैटर कोई भी मैटर हो, वो मैटर हो सकता है प्रोटॉन, ओके, इट मे बी एन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, ये कोई एटम हो सकता है, ये कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, ओके, और देखिए ऐसे पार्टिकल भी हो सकते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, जैसे स्टोन हो सकता है, कोई पत्थर हो सकता है, ओके, और ये क्या हो सकता है, कोई बॉल हो सकती है या वो चौक हो सकती है। तो कोई भी जो मैटर है अगर हम उसको देखें, यानी अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, अगर मैं एटम की बात भी करूं, ये जो है ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं। तो अगर मैं बात करूं माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक ओके एज वेल एज मैक्रोस्कोपिक, तो जो हमें दिखाई देंगे आराम से वो मैक्रोस्कोपिक होंगे, और जो इतनी आसानी से नहीं दिखाई देते हैं ऐसे ही अगर हम देखना चाहें वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं। तो ये जो जो थ्योरी दी है डी ब्रोगली ने वो दोनों तरीके के पार्टिकल्स के लिए दी है, माइक्रोस्कोपिक के लिए भी दी है और मैक्रोस्कोपिक के लिए भी दी है। और अकॉर्डिंग टू हिम मैक्रोस्कोपिक एज वेल एज माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स दे शो ड्यूअल करेक्टर। जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं या फिर मैक्रोस्कोपिक मैटर, कोई भी मैटर हो, वो सब क्या शो करते हैं, ड्यूअल नेचर शो करते हैं, ओके। तो ड्यूअल नेचर शो करते हैं, वो पार्टिकल एज वेल एज वेव का नेचर रखते हैं, और जो किसी पार्टिकल के साथ जो वेव नेचर होता है, यानी पार्टिकल में जो वेव नेचर होता है उसको हम कहते हैं मैटर वेव, ओके,
मैटर वेव ये कहलाती है। तो मटेरियल जो जो वेव एसोसिएटेड विद द पार्टिकल, वेव एसोसिएटेड विद द पार्टिकल इज नोन एज मैटर वेव। तो मैटर के साथ जो वेव एसोसिएटेड है उसको हम मैटर वेव कहते हैं। अबाउट द डी ब्रॉगली रिलेशन, सो अब हम पढ़ेंगे डी ब्रॉगली रिलेशन। तो डी ब्रॉगली ने कौन सा रिलेशन दिया? तो इन्होंने फोटोन को लेते हुए जो फोटोन का है ड्यूअल नेचर को एक्सप्लेन किया, उसके अकॉर्डिंग सारे मैटर्स को वो एक्सप्लेन कर पाए। ओके, तो अगर हम देखें एक फोटोन की बात अगर हम करें, तो फोटोन के साथ अगर हम उसकी वेव करेक्टर की बात करें, तो उसके साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है वो होती है एच न्यू। ओके, ये क्या है, ये किसके अकॉर्डिंग होती है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग ये रिलेशनशिप होती है कि जो ई है वो एच न्यू के इक्वल है, जहां पर एच आप जानते हैं एक कांस्टेंट है और न्यू जो है वो वेव फ्रीक्वेंसी है। एच इज द प्लैंक कांस्टेंट, ये क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। ओके, कांस्टेंट है एक, ये एक कांस्टेंट है और म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। तो फोटोन की एनर्जी एसोसिएटेड है इस तरीके से। लेकिन अगर हम फोटोन को पार्टिकल माने, देखिए ये तो हमने इसको वेव माना, अगर फोटोन एक पार्टिकल होगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी? उसकी एनर्जी क्या होगी? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जहां पर ये इक्वेशन हमें कहां से मिली? ये मिली हमें आइंस्टीन इक्वेशन है, ये आइंस्टीन की थ्योरी से पता चला कि अगर कोई एक मैटर होगा जिसका जो मास है वो m होगा तो उससे एसोसिएटेड एनर्जी क्या होगी? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। और अगर एक वेव होगा जिसकी फ्रिक्वेंसी म्यू है तो उसकी एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? E इज इक्वल टू एच न्यू से। एम है, ये है मास, फोटोन का मास है, मास ऑफ फोटोन। ओके, और जो सी है ये क्या है? सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये वेलोसिटी है लाइट की। ओके, तो ये दो हमें रिलेशनशिप मिल गई, एक मिली हमें वेव के लिए एनर्जी और दूसरी मिली हमें पार्टिकल के लिए एनर्जी। जी है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर एंड E इज इक्वल टू एच न्यू, सो वी कैन इक्वलाइज एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो हम एम सी स्क्वायर और एच न्यू को इक्वल कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही क्या है? एनर्जी है। तो ये हमें रिलेशनशिप मिलेगी, एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। और न्यू अगर हम देखेंगे तो न्यू क्या हो जाएगा? न्यू इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? न्यू इज इक्वल टू होता है सी अपॉन लैम्डा। ओके, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। तो अगर हम न्यू की जगह पर ये फीड कर दें, ये न्यू को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा? एच सी ओवर लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ओके, सो हमें क्या मिल जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी इक्वेशन है। यही क्या है? डी ब्रॉगली इक्वेशन, रिलेशनशिप है इन बिटवीन लैम्डा एंड मास। ओके, लैम्डा किसकी प्रॉपर्टी होती है? आप जानते हैं किसकी प्रॉपर्टी होती है? वेव की प्रॉपर्टी होती है। और मास किसकी प्रॉपर्टी होती है? पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है। तो आप देख सकते हैं एक ही इक्वेशन में दोनों है, लैम्डा भी है और मास भी है। तो इसका मतलब है देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन वेव एंड पार्टिकल। तो ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। ये जो इक्वेशन उन्होंने दी थी ये सब तरीके के पार्टिकल्स के लिए दी थी, बिग और स्मॉल, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक दोनों तरीके के पार्टिकल्स के लिए ये इक्वेशन, ये रिलेशनशिप दी गई। ओके, और अगर हम इस सी को, सी जो है इसको अगर हम किससे रिप्लेस कर दें? वी से, वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ओके, और एम वी क्या होता है? आप जानते हैं एम वी क्या होता है? मोमेंटम। क्या होता है? मोमेंटम। ओके, संवेग जिसे कहते हैं। तो इसका मतलब हमें इक्वेशन मिलेगी क्या होगी? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, जिसे हम क्या कहते हैं? पी को हम कहते हैं मोमेंटम। तो ये इक्वेशन भी क्या है? ये भी डी ब्रॉगली इक्वेशन है। दिस इक्वेशन इज डी ब्रॉगली इक्वेशन, जहां पर आप देखेंगे
कि जो रिलेशनशिप है लैम्डा का मोमेंटम के साथ है, मतलब एम के साथ है। ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज आल्सो डी ब्रॉगली इक्वेशन, जहां पर लैम्डा का रिलेशनशिप एम से है। तो ये दोनों ही इक्वेशंस जो है वो डी ब्रॉगली की इक्वेशन है, और इस डी ब्रॉगली इक्वेशन में आप देखेंगे कि वेव एंड पार्टिकल के बीच में रिलेशनशिप मिली, क्योंकि ये रिलेशनशिप किसके बीच में है, लैम्डा एंड मास के बीच में। मास प्रॉपर्टी एक पार्टिकल की और लैम्डा प्रॉपर्टी एक वेव की। सी दिस सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन। सो सिग्निफिकेंस क्या है डी ब्रॉगली इक्वेशन का? अगर हम डी ब्रॉगली इक्वेशन को देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि डी ब्रॉगली इक्वेशन में लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी है। ओके, तो अगर एक पार्टिकल देखिए, उसका अगर मास बहुत अधिक होगा, किसका होगा, एक बिग हैवी मैटर का, जो कि बड़ा मैटर होगा, उसका मास बहुत अधिक होगा। अगर मास अधिक होगा तो लैम्डा क्या होगी, वेरी वेरी स्मॉल। तो अगर लैम्डा बहुत स्मॉल होगी तो उसे देख पाना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर एम जो है वो बहुत स्मॉल होगा, ओके, तो लैम्डा कैसी आएगी, लार्ज आएगी। तो लैम्डा लार्ज आएगी अगर एम स्मॉल होगा। एम स्मॉल किनका होगा, किनका होगा, स्मॉल पार्टिकल्स का, जैसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ओके, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, एटम्स होते हैं। तो ये जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, क्योंकि इनका मास स्मॉल होता है, इसलिए इनकी लैम्डा क्या होगी, लार्ज होगी। और अगर लैम्डा लार्ज होगी तो इसको देख पाना क्या होगा, आसान होगा। डी ब्रॉगली इक्वेशन है वो किसके लिए एप्लीकेबल होती है, डी ब्रॉगली इक्वेशन जनरली एप्लीकेबल होती है जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं। क्यों, क्योंकि इन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का एम बहुत कम होता है और उनकी लैम्डा जो है वो हाई होगी, और अगर लैम्डा हाई होगी तो उसको ऑब्जर्व करना आसान होगा। इसलिए ये जो इक्वेशन है जनरली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए इम्पॉर्टेंट है। हालांकि डी ब्रॉगली ने दोनों के लिए ही ये जो रिलेशनशिप है ये दोनों तरीके के पार्टिकल्स के लिए दी थी, मैक्रोस्कोपिक एज वेल एज माइक्रोस्कोपिक, बट स्पेशली इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इट इज वेरी इम्पॉर्टेंट। कंक्लूड दिस लेक्चर, अब मैं इसको कंक्लूड करना चाहूंगी, और इसमें आपने पढ़ा पहले बोर्स मॉडल के बारे में कि बोर्स मॉडल ने क्या बताया। बोर ने जो बहुत फायदेमंद इनका मॉडल था, और जनरली ये एक्सप्लेन कर सकता था स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज को, और इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डेफिनेट एनर्जी के ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं, जिनका मोमेंटम कितना होता है, NH/2π। बोर्स थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस देखी। इस लिमिटेशन में आपने देखा कि फर्दर जो स्प्लिटिंग होती है स्पेक्ट्रल डाटा की ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट, वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए। दूसरा, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम का तो आसानी से एक्सप्लेन किया, बट मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का एक्सप्लेनेशन, उनके स्पेक्ट्रा का एक्सप्लेनेशन ये नहीं दे पाया। इसके बाद आपने देखा कि इनके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो डेफिनेट ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, लेकिन हाइजेनबर्ग ने क्या कहा था कि ये जो है डेफिनेट नहीं होता, उनकी पोजीशन को पता लगाना इलेक्ट्रॉन्स की। ओके, तो इसके बाद धीरे धीरे कुछ नई थ्योरीज आई, जिसमें हम सबसे पहली थ्योरी पढ़ेंगे, जो सबसे पहला जो रिलेशनशिप है वो है डी ब्रॉगली इक्वेशन। डेवलप होती गई थ्योरीज, और उसके साथ ही एक थ्योरी जो डी ब्रॉगली ने दी, एक्चुअली इक्वेशन दी 1924 में, और वो उन्होंने बताया कि ड्यूअल नेचर इलेक्ट्रॉन का या मैटर का, एक्चुअली हम मैटर की बात कर रहे हैं, मैटर का ड्यूअल नेचर, ड्यूअल मीन्स टू, दो नेचर होते हैं, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। बोर केवल एक ही नेचर को बता पाए, दैट इज दी पार्टिकल नेचर, लेकिन डी ब्रॉगली ने हर एक मैटर के लिए, सारे मैटर्स के लिए क्या बताया कि वो ड्यूअल नेचर शो करते हैं, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। कि ये जो डी ब्रॉगली ने जो इक्वेशन दी वो सबके लिए, सारे मैटर्स इंक्लूडिंग प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल,
और लार्ज मॉलिक्यूल्स, लार्ज साइज ऑब्जेक्ट्स लाइक बॉल है, चौक है, स्टोन है, टेबल, एनीथिंग, तो उनके अकॉर्डिंग क्या था कि सब में ड्यूअल नेचर होता है, सब में पार्टिकल एज वेल एज मैटर नेचर, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर होता है। जो नेचर है उसको बताने के लिए दो इक्वेशंस को यूज किया डी ब्रोगली ने, एक तो यूज किया प्लैंक इक्वेशन को और दूसरा यूज किया आइंस्टीन की इक्वेशन को, और इससे एक रिलेशनशिप मिली, दैट इज द लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी, या हम कह सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। पी क्या है यहाँ पर? मोमेंटम है। तो जनरली ये स्मॉल, वैसे तो दोनों के लिए ये इन्होंने बताया, जो एप्लीकेबल है वो माइक्रोस्कोपिक के लिए ज्यादा एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि माइक्रोस्कोपिक के केस में जो लैम्डा है वो क्या आएगी? लार्ज आएगी अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशनशिप। ओके, ऑल अबाउट डी ब्रोगली इक्वेशन। ये डी ब्रोगली इक्वेशन के बारे में हमने पढ़ा, और नेक्स्ट लेक्चर में देन वी विल डिस्कस अबाउट हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इस लेक्चर में हमने कंप्लीट देखा आपने कि डी ब्रोगली ने किस तरीके से एक इक्वेशन और रिलेशनशिप के थ्रू बताया हमें कि जो मैटर होते हैं उनका पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर होता है। इसलिए सुनने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू वेरी मच। ओके।